खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करने और पुरानी नामावली के चलते पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया। वहीं नामांकन निरस्त होने पर सपा प्रत्याशी के पति दीप नारायण यादव ने गंभीर आरोप लगाए। जानकारी के मुताबिक अब मीरा यादव का पर्चा निरस्त होने से भाजपा प्रत्याशी की जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी ने यहां से प्रदेश प्रमुख वीडी शर्मा को टिकट दिया है। कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया, अगर कुछ कमी है नियमावली में, ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों से संबंधित की है, लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें दो कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह दो जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह एक जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह यह है कि हमारे 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई, जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको कम वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक।